मुंबई में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने आज सुबह अर्नब गोस्वामी को एक पुराने केस में घर से गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद से मीडिया जगत और सियासत ने मुंबई पुलिस की इस हरकत की कड़े शब्दों में निंदा की है। अर्नब की पत्रकारिता से असहमतियों के बावजूद मुंबई में बुधवार को जो कुछ हुआ वो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का काला पन्ना कहा जा सकता है। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। अर्नब ने पुलिस पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। सवाल ये है कि क्या ये मुंबई पुलिस के बदले की कार्रवाई नहीं है? क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला नहीं है? दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस पर यह हमला है। मुझे लगता है ये विंडिक्टिव एक्ट है। ये जो एक फर्जी मामला था, बंद हो चुका था, उसे सुबह खोल के जिस तरह उन्हें गिरफ्तार किया गया वह न सिर्फ लोकतंत्र पर हमला है, बल्कि मैं तो ये मानूंगा कि इमरजेंसी के बाद पहली बार इस तरह की गिरफ्तारी किसी पत्रकार की हुई है। हम इसकी निंदा करते हैं। हर लोकतांत्रिक और अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थक को इसकी निंदा करनी चाहिए। गिरफ्तारी के बाद सियासी हलकों में भी महाराष्ट्र पुलिस की निंदा हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अर्नब की गिरफ्तारी को लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी मुंबई पुलिस के नियत पर सवाल उठाए और प्रेस की आजादी पर खतरा बताया। जिस तरीके से उनकी आज गिरफ्तारी हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और ये प्रेस की आजादी पर एक बहुत बड़ा हमला है। घर से घसीट कर किसी व्यक्ति को ले जाना, उनकी पत्नी और उनके एक माइनर बच्चे के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है वो व्यवहार करना, ये धिक्कार योग्य है। दरअसल अर्नब गोस्वामी को 2 साल पहले हुए एक आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। 2018 में आर्किटेक्ट अनवय नाइक और उनकी मां ने खुदकुशी कर ली थी। सुसाइड नोट में अनवय ने अर्नब का नाम लिखा था। उस केस में पुलिस ने खुदकुशी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन बाद में केस बंद कर दिया गया। मई महीने में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जाँच CID को सौंप दी, फिर आज ये गिरफ्तारी की गयी। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।